iOS 14 की लीक्स एंड रूमर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं iOS 14 में कि क्या आपको नया देखने को मिल सकता है, जिस तरीके की यहाँ पर लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि iOS 14 में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी iOS 14, और यहाँ पर बात करेंगे कि iOS 14 कब रिलीज होगा, iOS 14 का जो बेटा वर्जन है वो कब रिलीज होगा, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने और आपको बताने वाले हैं कि iOS 14 में आपको क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है। अगर आप सभी को जानना है iOS 14 के फीचर्स के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं iOS 14 की कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको iOS 14 में होम स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फिटनेस ऐप को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, आपके मैसेज में जो भी राइटिंग होती थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की जो भी फीचर्स हैं उन सभी जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी फीचर्स पे एक नज़र डालते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर में अपडेट देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले यानी कि होम स्क्रीन की, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर से स्लाइडिंग करके ऑप्शन मिल जाए, जैसे ही कि ऐप्स आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलते थे सर्च बार आपको देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर जो नई अपडेट आने वाली है वो ये है कि आप अपने एप्लीकेशन को अल्फाबेटिकली आर्डर में कर सकते हैं, और वो भी जो भी एप्लीकेशन अल्फाबेटिकली आर्डर में होंगे वो एक ही प्लेस में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि हो सकता है एक ही फोल्डर में आपको देखने को मिल जाए। तो इसके की रूमर्स यहाँ पर iOS 14 में देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर में अपडेट किया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस एप्लीकेशन जो मोस्ट यूज होते हैं, आपकी जो ज़्यादा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उन सभी को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हैं आई मैसेज की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एप्पल आई मैसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है, इसको ऐड किया गया। यहाँ पर सिलेक्ट लाइक फीचर है, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि अगर आप आई मैसेज में ग्रुप के साथ में चैटिंग कर रहे हैं ग्रुप कन्वर्सेशन को यहाँ पर म्यूट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें कि रीड अनरीड के मैसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बाद में उसको पढ़ना है तो आप वहाँ पर उसको टैग कर सकते हैं किसी भी तरीके की कि यहाँ पर हम इस मैसेज को रीड नहीं किया या फिर हमने अनरीड किया है। इस तरीके से भी यहाँ पर फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं आई मैसेज में। तीसरे फीचर की जो है ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप iOS 14 के अंदर इसका जो कोडिंग नेम है उसके साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि गोबी नेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं या फिर आप कुछ भी सर्च करते हैं एप्पल स्टोर में या फिर स्टारबक्स में, तो यहाँ पर आप आसानी से कुछ भी सर्च कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं चौथे फीचर की जो है फिटनेस ऐप, तो यहाँ पर फिटनेस ऐप आप आसानी से एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, एप्पल आईफोन या फिर एप्पल के अदर प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आप फिटनेस ऐप के अंदर किसी भी तरीके की फिटनेस रिलेटेड वीडियो नहीं डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो नया फीचर मिलने वाला है वहाँ पर आप आसानी से फिटनेस रिलेटेड वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में आपका जो वर्कआउट है, जो भी आपकी टाइमिंग है, जो रूटीन है, वो आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं या फिर इंटेक हो रही हैं जो भी है, यहाँ पर आप कैलोरी इंटेक से रिलेटेड जो भी जानकारी वो यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए फीचर की जो कि है होम किट अपडेट को लेकर। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है, जैसे कि नाइट शिफ्ट लाइट को लेकर एंड यहाँ पर फेशियल रिकॉग्नाइज को लेकर, यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइज कैमरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो चलिए यहाँ पर पहले देखते हैं नाइट शिफ्ट में आप किस तरीके से अपडेट कर पाएंगे, यानी कि किस तरीके की चेंजेज आपको देखने को मिलती हैं। दिन होता है तो यहाँ पर आपके जो आईफोन की लाइट है वो दिन के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगी, एंड रात आती है तो यहाँ पर आपकी जो आईफोन की लाइट है वो रात के हिसाब से चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक अमेजिंग फीचर आपको देखने को मिल सकता है iOS 14 के अंदर। बात करते हैं फेशियल रिकॉग्नाइज फॉर कैमरा को लेकर, तो इस फीचर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं होमकिट से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि होमकिट नाम ही है तो आपके घर की प्राइवेसी को लेकर है, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली मेम्बर की अगर लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई दूसरा पर्सन आता है जिसे आप जानते नहीं और आपकी फैमिली लिस्ट जो भी है जो आप सेव करके रखते हैं उसमें आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो फीचर यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको अगर ईयरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी एयरपोर्ट कनेक्टिंग के दौरान, तो यहाँ पर आपको वो इशू फिक्स मिल जाएगा।
उसके अलावा यहाँ पर काफी ज्यादा फीचर ऐड किए गए, जैसे कि अलार्म से रिलेटेड पेंसिल अपडेट को लेकर यहाँ पर ये फीचर आपको पेंसिल किट के नाम से देखने को मिलने वाला है। ये आपकी हेल्प कर सकता है हैंड राइटिंग टेस्ट एंड प्राइवेट मैसेज लिखने में। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड यानी कि किसी भी तरीके का इफेक्टिव टेस्ट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका सपोर्ट करेगा मैसेज मेल एंड अदर थिंग्स में, जो भी आप यूज करना चाहें वहाँ पर ये आपको सपोर्ट करने वाला है। बात करते हैं आठवें फीचर की, जो कि है ऐप फीचर। यहाँ पर आपको न्यू फीचर फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है फीचर की, तो यहाँ पर आपको AR ग्लास से सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं iOS 14 कब रिलीज होगा, किस डेट को रिलीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम इससे पहले वाले जो भी iOS के वर्जन है उस पर अगर हम नज़र डालते हैं एक बार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि iOS 9 16 सितंबर को रिलीज हुआ था, iOS 10 यहाँ पर 13 सितंबर को रिलीज हुआ था, 11 यहाँ पर 20 सितंबर को रिलीज हुआ था, एंड iOS 12 यहाँ पर 17 सितंबर को रिलीज हुआ था, एंड यहाँ पर iOS 13 19 सितंबर को रिलीज हुआ था। तो अगर यहाँ पर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ पर ये आपको iOS 14 की जो रिलीजिंग डेट है वो आपको 14 से 18 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकती है, एंड इसका जो बेटा वर्जन है वो आपको 29 जून तक आपको देखने को मिल 29 यानी कि 29 जून तक आपको रिलीजिंग हो सकता है इसकी देखने को मिल जाए। प्रोग्राम की कि आपको यहाँ पर इसका इवेंट कब देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको 8 जून तक इसका इवेंट प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। 14 की कौन कौन सी डिवाइस में सपोर्ट करने वाला है, तो यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि है iPhone SE एंड iPhone 6S से एबब के जो भी डिवाइस है वहाँ पर ये सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं iPhone 8, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone X, XR इसमें यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। बात करते हैं iOS 14 की, क्या iOS 14 पहले के जो भी वर्जन है उनसे बेटर हो सकता है। यहाँ बिल्कुल iOS 14 पहले के जो भी वर्जन है उनसे बेटर हो सकता है। तो क्यों हो सकता है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर कुछ अपडेट यानी कि कुछ एग्जांपल देकर आपको बताते हैं कि यूजर अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो आप आसानी से एप्पल के प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो भी पहले इशू आ रहे थे इयरिंग इशू को लेकर, तो यहाँ पर इस iOS 14 के अंदर वो सारे के सारे इशू फिक्स कर दिए गए हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है सीरी को लेकर यानी कि सीरी अपडेट को लेकर के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई, आपकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर iOS 14 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। तो इसलिए iOS 14 इससे पहले की जो भी वर्जन है iOS 13, iOS 12, iOS 11 उससे बेटर हो सकता है। 14 से रिलेटेड लीक्स एंड रूमर की कब रिलीज होने वाला है, क्या नया फीचर देखने को मिलने वाला है, कौन सी डिवाइस में आपको कंपेटेबिलिटी देखने को मिलने वाली है, ये कुछ रही अपडेट जिसके बारे में मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आती है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमन टेक वर्ल्ड।